मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिताएं तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आपको बता दें कि अब मिसेस पेजेंट प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि इस इवेंट में शादीशुदा महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। मिस इंडिया इंक की ओर से आयोजित इस साल की प्रतियोगिता श्रीलंका के कोलंबो शहर में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में इंदौर की रहने वाली चेतना जोशी तिवारी ने मिसेज इंडिया का खिताब अपने नाम किया। वहीं श्रीलंका के कोलंबो में 13 जुलाई से मिसेज इंडिया इंक प्रतियोगिता के चौथे सीजन का आगाज हुआ था। वहीं 19 जुलाई को इसका ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया, जिसमें चेतना जोशी तिवारी ने खिताब अपने नाम कर लिया। नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। बता दें कि चेतना ने अपनी शख्सियत, अपने जज्बे और अपनी अदाओं से तमाम जजों का दिल जीत लिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा भी प्रतियोगिता में बतौर जज शामिल हुई। मलाइका ने समारोह में चेतना जोशी की जमकर तारीफ की। इस प्रतियोगिता में दिशा गणेश शेट्टी ने फर्स्ट रनर अप का खिताब लिया। वहीं सोहिनी रोहना ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान अर्जित किया। नितिका सत्या को तीसरा स्थान मिला तो वहीं रूही मरजारा ने प्रतियोगिता में चौथा स्थान हासिल किया। चेतना जोशी तिवारी इंदौर की रहने वाली हैं और वो एक कामयाब बिजनेस वुमन होने के साथ योगा ट्रेनर भी हैं। वो लोगों को योग की ट्रेनिंग देती हैं और एक बेहतरीन शिक्षिका भी हैं। चेतना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और ओडी शो में भी नजर आ चुकी हैं। वहीं चेतना जोशी का भारत की सबसे खूबसूरत शादीशुदा महिला बनने का यह सफर उनकी मेहनत, लगन और समर्पण की मिसाल है, जिससे देश भर की लाखों महिलाएं प्रेरित हो रही हैं। आपको बता दें कि इंदौर की 29 वर्षीय बेटी चेतना का विवाह छत्तीसगढ़ के चांपा में नीलेश तिवारी से हुआ था। वहीं चेतना की बात करें तो वो श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ी हुई हैं। वो आर्ट ऑफ लिविंग और हैप्पीनेस प्रोग्राम की फैकल्टी को भी योग प्रशिक्षण देती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।